जैसा कि हर साल नवोदय विद्यालय जो है वो सिलेक्शन टेस्ट के द्वारा 80 बच्चों को एडमिशन देता है, और इस साल भी जो है वो सन 2023-24 में 80 बच्चों की जो है वो लिस्ट प्राप्त हुई थी हमें, और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सिलेक्शन टेस्ट एग्ज़ाम दी है नवोदय वाली। तो 80 बच्चों की जो लिस्ट हमें प्राप्त हुई थी, तो एडमिशन के दौरान ऐसा पाया गया है कि 57 बच्चे जो है वो जिनका वेरिफिकेशन क्लियर है, और हमने 80 बच्चों में से 57 बच्चों को जो है वो एडमिशन दिया है। बचे हुए उसमें के 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नॉट विलिंग को हमको अप्लाई किया है, मतलब कि उनका नंबर तो लगा है लेकिन वो यहाँ पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने नॉट विलिंग का सर्टिफिकेट दिया है। मतलब 57 जो है वो एडमिटेड है और 6 बच्चे जो है वो नॉट विलिंग वाले हैं, ऐसे हो गए 63। और बचे हुए जो 17 बच्चे है ना, तो 17 बच्चों में से 16 बच्चे ऐसे पाए गए हैं कि जिन्होंने अपनी दूसरी तीसरी चौथी जो कक्षा है उन्होंने शहर भागों में पढ़ाई की है, और पाँचवीं कक्षा के लिए वो ग्रामीण भागों में गए हैं। हमारे नियम के मुताबिक तीसरी चौथी पाँचवीं में से एक दिन भी बच्चा अगर शहर में अगर वो पढ़ाई करता है, वो बच्चा शहर का माना जाता है, वो रूरल एरिया में पढ़ाई नहीं कर सकता, या पढ़ाई करता भी है तो वो हमारे यहाँ वो अप्लाई नहीं कर सकता है क्योंकि उसको शहरी का माना जाएगा। ऐसे ही 16 बच्चे जो है वो थे जिनको हमने डिस्क्रिपेंसी में डाला है, और उसमें का एक बच्चा ऐसा था कि जो गढ़चुल्ली का रहने वाला था और उसने गोंदिया में पढ़ के जो है वो फॉर्म भरा है, वो रहवासी दाखिला जो है वो न देने के कारण उसको भी हमने डिस्क्रिपेंसी में डाला है। ऐसे 17 बच्चे जो है वो डिस्क्रिपेंसी वाले और 6 बच्चे जो है वो नॉट विलिंग वाले, ऐसे 23 बच्चे हो जाते हैं टोटल, है ना, क्योंकि 57 की जो एडमिशन हो गई है, 23 बच्चे जो बचे हैं इनके लिए हमने हेडक्वार्टर से जो है वो वेटिंग लिस्ट मंगाने के लिए हमने ऑलरेडी लेटर दे चुके हैं। सर, नए बच्चे जो कि अभी अप्लाई मतलब लगेंगे, इसमें क्या प्रोसेस होगा? उसमें वही प्रोसेस होगा, उनका सभी तीसरी चौथी पाँचवीं का पूरा रिकॉर्ड जाएगा, रिकॉर्ड देखा जाएगा, उनकी पूरी डॉक्यूमेंट्री जाँच की जाएगी, और उनमें से भी अगर ऐसा पाया गया है कि कुछ बच्चे फिर शहरी भागों में पड़े हैं तो उनको भी डिस्क्रिपेंसी में डाला जाएगा, या अगर वो सभी ग्रामीण भागों के है या जिस हिसाब से हमें लिस्ट प्राप्त हुई है उसी हिसाब से अगर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर सही निकला तो सभी 23 बच्चों को हम एडमिशन देंगे। सर, इस वर्ष ही पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं, ये पिछले साल भी हुआ था ऐसा, पिछले साल मैं प्रिंसिपल नहीं था यहाँ पे, पिछले साल बलवीर साहब प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने क्या किया है तो इसके बारे में तो मैं नहीं बताना चाहूँगा डिटेल में क्योंकि वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सुना है कि यही प्रॉब्लम जो है वो सेम पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी यही प्रॉब्लम हुआ है, तो हमने उसको डिस्क्रिपेंसी में डाला। सर, अभी आगे प्रॉब्लम ना हो तो क्या किस बच्चों ने काम करना चाहिए, किस पार्कों ने? हमने उनको बार बार जो है वो बताया है, बार बार जो है बताया है कि 2015, 16, 17 ये 2-3 सालों में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है, गोंदिया जिले के कौन से तालुका शहरी क्षेत्रों में आने वाले हैं वो उसके बारे में जो है वो नोटिफिकेशन राजपत्र ही दिया गया है, उसके हिसाब से फिर वो सालेकसा हो, उसके बाद में क्या बोलते हैं वो आमगांव हो, देवरी हो, है ना, सड़क अर्जुनी हो, ऐसे सभी तालुका प्लेस जो है ना कि जिनका संबंध अपने पंचायत समिति के साथ में है या नगर पंचायत के साथ में है, ये सभी एरिया जो है ये शहरों में माने जाते हैं, मतलब ये शहरी भाग के है। अभी नए फॉर्म भरने वालों को क्या आह्वान करूँगा? उनको ये आह्वान करूँगा कि ये जो मैंने तालुका क्षेत्र में रहने वाले जो बच्चे है कि जिनका संबंध स्कूल का संबंध जो है वो ये नगर पंचायत के साथ में है या नगर पालिका के साथ में है, वो बच्चे जो है वो अप्लाई करते समय में शहरों में ही रहवासी का दाखिला लेकर या शहरों में ही वो अप्लाई करें, ग्रामीण भागों में अप्लाई ना करें। जो स्कूल जो है वो नगर पंचायत के बाहर है जिसका संबंध ग्राम पंचायत के साथ में है, ऐसे सभी एरिया जो है ये ग्रामीण माने जाते हैं, इसलिए वो सभी स्टूडेंट जो है वो ग्रामीण भागों में अप्लाई करें, क्योंकि इसी कारण गड़बड़ी के कारण ये 17 बच्चे जो है वो अपने एडमिशन से वंचित हो गए। जब जी हो गए अभी 400 हाँ, एक तो मेरे यहाँ की स्ट्रेंथ जो है वो अभी 406 है, उसमें से 196 जो है वो गर्ल्स है और 210 जो है वो हमारे बॉयज़ है, ऐसा टोटल मिलाकर वो 206 है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का एक्चुअल क्या है कि बाहर पढ़ने वाले बच्चे और नवोदय में पढ़ने वाले बच्चों में डिस्टेंस ये है कि यहाँ आने वाला जो बच्चा है वो एग्ज़ाम दे के आ रहा है,
जैसे पिछले साल जो है वो 7,500 बच्चों ने जो है वो एग्ज़ाम दिया था, 7,500 में से कम 3,500 बच्चे जो है वो एग्ज़ाम में पास होते ही होते हैं ऐसा मान के चलते हैं। तो 3,500 बच्चे 7,000 में से अगर पास भी हो जाते हैं तो ये जो विद्यार्थी हमारे पास 3,500 जो पास हुए हैं उसमें कि हम हर साल केवल 80 विद्यार्थी लेते हैं, 80 में 50 बॉयज़ होते हैं और 30 जो है वो गर्ल्स होती है, ऐसे 80 को लेते हैं हम लोग। अब इससे फ़र्क क्या है, जो 7,500 में के 3,500 बच्चे जो है वो पास होके आए हैं तो वो जो है वो पूरे होशियार और होनहार बच्चे होते हैं, क्योंकि वो पहले 80 बच्चे हैं, 3,500 में के पहले 80, बाद में वेटिंग जो है उसके बाद में अगर इन्होंने एडमिशन नहीं लिया तो वेटिंग जो है वो नीचे नीचे आते रहेगी। तो ये वो होनहार बच्चे होते हैं कि जो IAS और IPS के कैडर के ही मैं तो मानता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़े हुए बच्चे हैं ये सभी जो है वो IPS और IAS कैडर के होते हैं, होशियार बच्चे होते हैं, हर एक्टिविटी में वो शामिल होते हैं, फिर वो गेम हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो।